हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो 4। आज की वीडियो एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए होने वाली है। एक्वेरियस टॉपिक होगा कि आपके रिलेशनशिप में कौन सी एनर्जी है। अगर आप नो कांटेक्ट जोन में हैं तो क्या आपके एक्स वापिस आ रहे हैं, या फिर कोई न्यू एनर्जी, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। ये वीडियो उन लोगों के लिए होगी जो कि नो कॉन्टेक्ट जोन में है और या तो वेट कर रहे हैं अपनी एक्स की, या फिर वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में। तो ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, सबके साथ मैच नहीं भी कर सकती, जितनी मैच करे उतनी रखिए। तो चलिए एक्वेरियस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट आपकी लाइफ में कौन वापिस आ रहा है, आपका एक्स या नेक्स। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए एक्वेरियस को। एक्वेरियस प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए एक्वेरियस की लाइफ में कौन आ रहा है, उनका एक्स या नेक्स। किंग ऑफ वैंड्स प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के रिलेशनशिप के बारे में। पहले कार्ड निकाल रहे हैं हम उनके एक्स के लिए कि क्या एनर्जी है। फोर ऑफ कप, याद बहुत कर रहे हैं आपके एक्स आपको। द हर्मिट, फाइव ऑफ कप, बॉटम ऑफ द डेक है इसका फोर ऑफ पेंटिकल का। गाइड कीजिए एक्वेरियस की लाइफ में कुंभ राशि वाले कौन वापिस आ रहा है, उनका एक्स या नेक्स, किसकी एनर्जी ज्यादा है। ओके, एज ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, द चैरियट, द एम्परर की एनर्जी है आपकी। बॉटम ऑफ द डेक है यानी कि चीजें उतनी आसान नहीं है जितनी कि आप सोच रहे हैं। सबसे पहले क्लियर करते हैं कार्ड ऊपर वाले। आपके एक्स की एनर्जी जो है यहाँ पे मुझे लग रहा है आपको मिस बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। एक्वेरियस, अगर आपका किसी से ब्रेकअप हो गया था, सेपरेशन हो गया था किसी के साथ में, आप अलग हैं इस टाइम पे, आपकी बातचीत नहीं हो रही है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यही बोल रहा है। आपका फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है जो कि उस कनेक्टिविटी को थोड़ा सा कम बताता है। आपके पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं लेकिन है उनकी लाइफ में कुछ और बहुत अच्छी पॉजिटिव चीजें हैं, बावजूद उसके उनकी तरफ ना ध्यान देके उनको आपके साथ बिताया हुआ टाइम जो है बहुत शिद्दत के साथ में याद आ रहा है, और अपनी प्रेजेंट लाइफ में वो उतनी कनेक्टिविटी से नहीं रह पा रहे हैं। काम पर भी फोकस है, उससे बचने के लिए आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं कुछ दूसरी चीजों में अपना मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके आपसे रिश्ता टूटने का जो रीजन है वो काम रहा हो या पैसा रहा हो, तो अब आपके पर्सन जो है उसी चीज के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और लोगों से भी उनकी कनेक्टिविटी काफी ज्यादा कम है, काफी कम बातचीत कर रहे हैं और रिग्रेट फील कर रहे हैं आपके पर्सन। हो सकता है कि अपने किसी भी वजह से आप लोगों के बीच में जो रिश्ता टूटा है या बात खत्म हुई है उसका आपके पर्सन को काफी रिग्रेट है, काफी गिल्ट महसूस कर रहे हैं वो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ। हर्मिट की सिचुएशन में है तो देखिए हर्मिट का पर्सन जो है वो काफी मैच्योर होता है और वो जल्दी से किसी भी चीज के लिए एक्शन नहीं लेता, चाहे वो दुखी होता रहे। उसको ऐसा लगता है कि मेरे को सारी चीजें जो है वो मालूम है, सही है, भाई अगर ठीक है मैंने सब कुछ किया है तो सोच समझ के, कुछ चीजें जरूरी थी इसलिए किया है। हर्मिट की जो एक एनर्जी होती है वो एक ऐसे पर्सन की एनर्जी होती है, वो पर्सन बुरा नहीं होता है, वो समझता है आपको, लेकिन कुछ व्यवहारिक चीजें होती हैं जो कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो कि लेने पड़ जाते हैं,
तो वो पर्सन जो है वो इस टाइम पे आपके लिए एक्शन ले, ऐसा मुझे यहाँ पे नहीं ही लग रहा है। एक्शन की एनर्जी आपके पास्ट पर्सन की तरफ से नहीं है, बल्कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ तो बातचीत बंद है ही है, अदर सोशल कनेक्टिविटी भी ऑलमोस्ट उनकी बंद ही है। अपने आप में ज्यादा टाइम बिता रहे हैं, अपने आप को इस तरह एक तरह से एनालाइज कर रहे हैं। आपके पर्सन पास्ट पर्सन अपने साथ में ज्यादा टाइम बिताना चाहते हैं इस टाइम पे। अगर आप उनसे एक्शन की उम्मीद कर रहे हो तो मुझे यहाँ पे इस टाइम पे एक्शन जो है वो नहीं लग रहा है। आपकी यादों में बुरी तरीके से खोए हुए हैं, एक सैड एनर्जी मुझे एक्वेरियस आपके पास्ट पर्सन की लग रही है। ये भी हो सकता है कि आप लोगों का रिश्ता किसी जॉब की वजह से, किसी पैसे के मुद्दे की वजह से या किसी वजह से टूटा हो, कि उनके पास बिल्कुल आपको टाइम ना दे पा रहे हो या उनके पास काम ना हो। देखिए पैसे ना, पैसा ना होने की वजह से भी काफी चीजें जो हैं वो बिगड़ जाती हैं। कितने लोग बोलते हैं कि नहीं करियर अलग होता है, रिलेशनशिप अलग होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, दोनों ही। अगर किसी का करियर बिल्कुल खराब हो रहा है तो रिलेशनशिप पे उसका असर पड़ेगा, और अगर रिलेशनशिप खराब है तो करियर पे डेफिनेटली उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब देखते हैं कि कोई न्यू एनर्जी, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है आपके लाइफ में। एक्वेरियस, अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, पहले तो मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि जो लोग, जिन लोगों का पास्ट रिलेशनशिप बिल्कुल ब्लॉकेज में है और खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, वो ये चाह रहे थे अपनी लाइफ को कि भाई कोई पर्सन उनकी लाइफ में आए, तो मुझे वो पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। बट आपकी जो फीलिंग है वो काफी स्टक है, थोड़ा सा आप उस ब्लॉकेज को आप खोलिए जो आपके अंदर है। वो पर्सन, अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा भी, अगर आप अपने पास्ट के रिलेशनशिप में स्टक हो तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकता है, लियो हो सकता है, एरिस लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ये मैं साइन बता रही हूँ आपको, एक्वेरियस की तो रीडिंग हम कर ही रहे हैं। वो पर्सन भी काफी प्रैक्टिकल होगा, एनर्जी बहुत ज्यादा उस पर्सन के अंदर होगी, बहुत सोच समझ के वो भी आगे बढ़ेगा, उसको भी ऑलमोस्ट सारी चीजें चाहिए होंगी, खाली इमोशनल फूल नहीं होगा। वो पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में एक कंप्लीट ग्रोथ चाहता होगा। कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है, बट आपकी लाइफ में इस टाइम पे मुझे डिफिकल्टी काफी ज्यादा लग रही है। ऐसा ना हो कि आप दोबारा से उस गलती को दोहराएं जो आप अपने पास्ट में कर चुके हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट की कुछ गलतियों को वो रिपीट कर रहे हैं। एम्परर का कार्ड आया है, कैसे पर्सन की एनर्जी बताता है ये कार्ड। देखिए चार नंबर का कार्ड है, ऑफकोर्स राहु का कार्ड है। रिलेशनशिप उतने स्मूथ तो ये रहने नहीं देगा, या तो आपकी एनर्जी काफी मैच्योर है या आपके पर्सन की एनर्जी काफी मैच्योर है। मुझे आपके पास्ट रिलेशनशिप में लगा कि आपके पर्सन ज्यादा मैच्योर है, एक पर्सन दोनों में से काफी मैच्योर एनर्जी में है। अगर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के करिए। न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ तो रहा है, लेकिन कुछ चीजें आपकी पहले पर्सन के साथ में जो थी वो सेम चीजें, मुझे कुछ चीजें यहाँ पे वो सेम डिफिकल्टीज कुछ आपकी नजर मुझे यहाँ आ रही है। पर्सन ऑफकोर्स द एम्परर है तो ईमानदार पर्सन होगा, बट उतना रोमांटिक नहीं होगा, ये मैं आपको बोल दूं। वो पर्सन ऐसा पर्सन जो अपनी बातों को ज्यादा अहमियत देगा। स्ट्रेंथ का कार्ड है तो न्यू एनर्जी में जाने के लिए आपको हिम्मत तो बहुत ज्यादा जुटानी पड़ेगी। किसी लियो से भी हो सकता है आप डील करें, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियस एरिस लियो सेजिटेरियस मैंने आपको कह दिया है। एक सॉफ्ट एनर्जी है, लेकिन उस सॉफ्ट एनर्जी के ऊपर थोड़ा सा आपका जो पास्ट का दुख है, तकलीफ है, वो मुझे नजर आ रही है। यहाँ पे देखिए टेन ऑफ पेंटेकल्स आया है, यानी कि रिलेशनशिप को आप एक बोझ की तरह देख रहे हैं। आपके पास सिर्फ रिश्ते ही नहीं, और भी इसके अलावा बहुत सारी चीजें करने के लिए है, और सारी चीजें जो बंदा मल्टीटास्किंग करता है, एक साथ करता है, वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। बट क्वेश्चन हमारा ये था, टॉपिक हमारा ये था कि आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, आपका एक्स या नेक्स्ट। तो मुझे कुछ मैटर में ऐसा लग रहा है एक्वेरियस की कोई नेक्स्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, बट आपको कुछ ब्लॉकेज जो है वो दूर करनी होंगी। अपने पास्ट को थोड़ा सा क्लोज कर दीजिए, अगर वो बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा था तो।
अगर आप पास्ट में ही अटके रहेंगे तो किसी न्यू एनर्जी में भी आप नहीं जा पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में अब जो पर्सन आएगा वो आपको स्टेबिलिटी देगा, क्योंकि ये पर्सन चैरियट की एनर्जी भी अच्छी है। ये पर्सन जिन लोगों के साथ में रिलेशनशिप रखते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियस, उसको निभाते भी हैं, ये चीज भी है। और इमोशनल फूल नहीं होते, अपनी फैमिली को भी उतनी इम्पोर्टेंस देते हैं और सोशल एनवायरमेंट को भी, सोशल कनेक्टिविटी को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं, जो कि जरूरी है। एक मैच्योर पर्सन की एनर्जी यहाँ पे जरूर लग रही है। हाँ, उतना रोमांटिक आपको नहीं लगेगा, बट हाँ ईमानदार है, रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहता है, खुशी चाहता है। बस थोड़ी सी ब्लॉकेज मुझे आपकी तरफ से यहाँ पे लग रही है। अगर आप उसको दूर कर पाते हैं तो डेफिनेटली आप रिलेशनशिप में आगे ग्रोथ करेंगे। एक डिवाइन गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं कि ओ ईश्वर क्या चाहते हैं, कि एक्चुअल आपको क्या करना चाहिए। रिलेशनशिप के मुद्दे जो हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। लोग कहते हैं नहीं रिश्ते विश्ते कुछ नहीं होते, बट रिश्ते ही हैं जो आपकी लाइफ को खूबसूरत बनाते हैं, इतना मैं आपको कह दूं। तो इसलिए रिश्तों को इम्पोर्टेंस जरूर देनी चाहिए। अगर कोई प्यार करने वाला आपकी लाइफ में आ रहा है या है तो उसकी कदर कीजिए और उसे मत ठुकराइए। प्लीज इवन गाइड कीजिए एक्वेरियस कुंभ राशि को, आपकी तरफ से उनके लिए क्या गाइडेंस है, नेक्स्ट उनको क्या करना चाहिए। काफी कुछ लोग तो काफी प्रॉब्लम में लग रहे हैं, आपके कार्ड शफल करते वक्त काफी उछल रहे हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। यस यस यस, द व्हील ऑफ फॉर्चून, एक कॉम्प्लीमेंट्री कार्ड भी निकाल लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, नेक्स्ट सडन अचानक से क्या तब्दीली आ रही है, क्योंकि बदलाव का कार्ड तो आ ही गया है। ओके, एक्वेरियस बहुत ही अच्छे कार्ड हैं। अचानक से कुछ परिवर्तन आपके लाइफ में आ रहा है, उसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री में टेम्परेंस का कार्ड आ गया, यानी कि अगर आप लोग प्रॉब्लम में थे, किसी भी तरीके की ब्लॉकेज आपकी लाइफ में थी, एक्वेरियस उससे आप मुझे हील करते हुए लग रहे हैं, यानी कि वो जो दुख तकलीफ आपके अंदर था ना वो कम होगा, आप उससे बाहर आएंगे। कोई अचानक से बदलाव हो सकता है आपकी लाइफ में, और जो ये बदलाव होगा ये पॉजिटिव बदलाव होगा। और टेम्परेंस का कार्ड है, यानी कि आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स, उस ईश्वर की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि अब सब कुछ जो है आपकी लाइफ में धीरे धीरे सही हो जाए, अच्छा हो जाए। तो मेरी तरफ से जो ये रीडिंग है ये पॉजिटिव है। प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा एक्वेरियस की ये रीडिंग आपके साथ में कितनी मैच करी, हम सबके कमेंट पढ़ते हैं, आप लोगों के कमेंट्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हौसला बढ़ता है। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बट पर्सनल रीडिंग पेड है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन को चेक कर ही आप व्हाट्सएप पे आइएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।